बजरंग दल ने आतंकवाद का फूका पुतला। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं पर हुए हमले से रोष, राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। जम्मू कश्मीर में माता के भक्तों पर हुए आतंकी हमले को लेकर अमरोहा में रोष व्याप्त है। आतंकवाद के विरोध में आज बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। यहां उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, साथ ही आतंकवाद का पुतला फूंका। बजरंग दल ने केंद्र सरकार से आतंकवाद के खात्मे की मांग कर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। मेरा नाम हेमंत सारस्वतन, मैं इस बजरंग दल का पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रांत का बलोपासना प्रमुख। ये पुतला हमने जिहादियों का फूंका है। जो हमारी हिंदू समाज हर वर्ष इतनी बड़ी वैष्णो देवी यात्रा करता है, हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जयपुर के कुछ राजस्थान के वो लोग सिर्फ वैष्णो देवी यात्रा पर गए थे, उसके जाने के बाद उन्होंने शिवखोड़ी वहाँ भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है वहाँ यात्रा पर गए। एक आतंकवादी ने सोची समझी साजिश के तहत उन लोगों को टारगेट किया गया। टारगेट करने के बाद उसमें 5-5 साल के 7-7 साल के जो मासूम बच्चे थे उन लोगों को नियत्ते हिंदू समाज पर जिस तरह गोली बरसाकर उनको आत्मनिसंहार करने हत्या को मजबूर किया है। और मैं जिहादी जो ये आतंकवाद है, मैं भारत सरकार से मांग कर